हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 9th of January है। बच्चों का स्कूल ओपन हो चुका है। सुबह के हमारे 6:30 बज रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों के स्कूल जाने। बाहर देखो आप, अभी अंधेरा है, स्नो है, अंधेरा है काफ़ी ना। 8:30 तक सूरज निकलता है यहाँ पे, तभी उजाला होगा। ये तो ऐसे ही रहता है अंधेरा सुबह सुबह। हाँ जी, रेडी कब होंगे? बस बच्चों को छोड़ना है स्कूल। ये हमारा रेडियो चल रहा है 7, और ये हमारा ह्यूमिडिफायर है 7:55 के आसपास निकले हैं। बस कितने बजे की? 8 बजे की। 8 बजे की, ओके। रेडी हो रहे हैं हम लोग। माइम रेडी हो जल्दी यार। ये हमारी चाय बॉयल हो गई है, चाय बन रही है, मैंने रख दी थी पहले ही। यहाँ पे देखो, ये चाय की पत्ती ऐसे मिलती है, वो भी मिलती है, क्या कहते हैं, जो लीव्स खुली वैसी होती हैं जो इंडिया में होती हैं, वो भी मिलती है। पर ये वाली, मैंने कहा ये वाली ट्राई करते हैं कैसी है। ये थोड़ा ना इसको फेंकना ईजी हो जाता है। 4 पैकेट मैंने डाले हैं 2 कप चाय में, तो इनफ होते हैं। और ये टेस्टी है चाय, इंडिया वाली है, टाटा प्रीमियम। तो चाय वाय बनाते हैं और रेडी होते हैं फटाफट। मैं ना फ्रीज़र में रख देती हूँ पराठे फ्रीज करके, ये मैंने रात को कर दिए थे और पहले भी करके रख देती हूँ ऐसे ना, तो ईजी रहते हैं। अब ये बनाएंगे फटाफट। ये मैंने पालक पनीर वाले पराठे बना के रख दिए थे और इनको अब मैं निकाल के सेक लूँगी। माइम रेडी हो बेटा, जल्दी से उठ जाओ। पराठे सेक लेते हैं, चाय भी उबल गई है उधर। थोड़ी सी चाय तो अपने लिए निकाल ली है और बाकी ना मैंने इसमें कर लिए। ये देखो, अगर कारा साहब को टाइम नहीं मिलता ना तो हम बस में पीलेंगे चाय अपना। ये बढ़िया है, कॉफ़ी मग में चाय भर ली, कुछ भी इसमें सही रहता है, गर्म ठंडा। ये सब रेडी है, बस अब फटाफट नाश्ता बनाते हैं। माहिम यार रेडी हो ना, तेरे को इतनी देर से बोलना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, लेट हो जाएंगे। पराठा पैक कर दिया मैंने इसमें, ये थर्मस वाले हैं, ये लंच बॉक्सेस, इनमें ना गर्म खाना गर्म और ठंडा खाना ठंडा रहता है 12 आवर्स तक, फिर 5-6 घंटे तो रह ही जाता है। तो मतलब जब बच्चे खाते हैं ना लंच में, लंच टाइम में, तो अच्छा निम्मा गर्म सा रहता है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रहता, पर खाने लायक रहते हैं। अगर वैसे किसी ऑर्डिनरी उसमें प्लास्टिक में या उसमें रख के मैं लंच दूंगी ना तो वो जम जाएगा, तो इसलिए ये वाले यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। मैं इंडिया से लाई थी लंच बॉक्सेस, पर यहाँ पे ये लेने पड़े क्योंकि ये चलेंगे नहीं यहाँ पे। स्कूल में बच्चों के पास माइक्रोवेव नहीं होता है गर्म करने के लिए, ऑफिस वगैरह में तो होता है, वहाँ तो चल सकता है, पर स्कूल के लिए ये बेस्ट है। कितनी देर में तैयार होगा भाई तू? तेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, स्लो मोशन है तू। सबसे पहले मैं ही तैयार होगा, वो देखो। हैविश रेडी है मेरा बेबी, और नाश्ता भी हो गया मेरे बाबू का। ये देखो अभी बस, और वहां से वो झांक रहे हैं। जल्दी करो, आपका क्या ख्याल है? मैं रेडी होके आ रही हूँ ना, मेरा सब काम हो गया। चलो जल्दी करो, थोड़ा सा हम लेट हो गए। हैविश तो चला गया स्कूल, उसको हमने भेज दिया था तू निकल, क्योंकि हम थोड़े लेट हो रहे हैं। हैविश पहुंच गया, स्कूल से फ़ोन आ गया उसका कि वो पहुंच गया। अब हम जा रहे हैं माइम के स्कूल, थोड़ा सा लेट हो गए, मूड ऑफ हो गया, पर क्या करें, व्लॉग तो बनाना है ना, व्लॉग तो पूरा करना ही है। मूड ऑफ हो गया तो क्या हो गया। बस इधर से आएगी और अब देख लो आस पास, 4 मिनट में आ रही है, आसपास देख लो क्या सुंदर नज़ारा है। बहुत प्यारी कम्युनिटी है हमारी, बहुत सुंदर। गेट के साथ में ही है,
माइम को समझा रहे हैं बस स्टैंड आते हुए यहाँ से जाना है और जाते हुए वापस आते हुए मतलब उधर से पकड़ आना है उतरना है और जाते हुए हम यहाँ से। इन्होंने ना महिम को बहुत दूर का स्कूल दे दिया था, हम ना आज वहाँ धरना देने जा रहे हैं कि हमें ये वाला स्कूल दो, हमें नहीं पता। हमारे बच्चे को लास्ट ईयर नी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इसका प्लास्टर था 45 डेज का, उस वजह से इसको ठंड में ना दिक्कत होती है और वो पहले यहाँ से बस लेगा, बहुत दूर है यहाँ से हमारे यहाँ से, तो पहले बस लेगा फिर LRT लेगा जो कि मेट्रो है यहाँ की, फिर दोबारा उतर के फिर बस लेगा और फिर 1 किलोमीटर इसको पैदल चल के जाना है। इतने ठंडे मौसम में बहुत मुश्किल है और अभी जनवरी फरवरी में बहुत वर्स होने वाला है वेदर। हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते, आप हमें यहीं पे पास वाला स्कूल दो, यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट का भी नहीं है 10 ही मिनट का है जो इस वाले स्कूल में बात करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं बात और सारे इसके पेपर वगैरह भी लेके जा रहे हैं कि आप इसी स्कूल में लो इसे। भाई यहाँ पे तो अभी इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन डालो, हमने एप्लीकेशन तो डाल दी थी 10 दिन पहले ही और अब स्कूल के वाले कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो फुल हैं यहाँ नहीं ले सकते। अब देखो वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, हो सकता है मैम को फिर वहीं जाना, लेट्स सी देखते हैं। बस लेते हैं अब सामने से, बस स्टॉप है, आज तो नहीं लेके जाएंगे अब इसको, 9 बज गए अब तो और बहुत ऊपर हो गया, 8:20 का स्कूल था, अभी हम यहाँ बात करने आए थे तो यहीं टाइम लग गया। अब कल इसको लेकर थोड़े दिन वहीं जाए, जब तक हमारे पास गाड़ी नहीं हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं घर वापस। रैम का ट्रक है शानदार, तो किसी और की पार्किंग में लगा रहा होगा ना तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी, एक दो वार्निंग दी होगी, नहीं तो सीधा भी कंप्लेंट कर देते ना तो उठा के ले जाते हैं गाड़ी। आप किसी की और की पार्किंग में ऐसे नहीं लगा सकते हैं, रूल इज रूल हियर। बहुत बढ़िया, सबसे लेट निकलते हुए कालरा साहब, कितनी देर में बस है? चलो चलो आज चल रहे हैं, भाई इनको छोड़ के आएंगे, ये उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ इन्होंने हमें बोला था कि जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ रहा है। चलो चलते हैं आज वहीं पे चलते हैं। ओके लेट्स गो, भाग रहे हैं बस हम फटाफट फटाफट, और अभी बिल्कुल उजाला हुआ नहीं है, अंधेरा ही है और 7:32 AM हो रहे हैं, इतनी फिसलन है ना, ये देखो आइस जमी हुई है। पहुंच रहे हैं फटाफट, बस बिल्कुल 1 मिनट में आने वाली है, हम सड़क पार करेंगे यहाँ से, ये रुक गया गाड़ी वाला, देखो ये रुक गया हमारे लिए सामने भी है, इतनी दूरी रुक जाते हैं। बस स्टॉप पे तो उतर गए हम पर उजाला अभी भी नहीं हुआ है। मैंडी कितना टाइम हो रहा है? 7:56 हो रहे होंगे, 7:59 हो रहा है, 8 बज रहे हैं पर अभी तक अंधेरा ही है। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, वो स्कूल के लिए एक स्पेशल बस चलती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें जाएंगे आज, रूट देख के आते हैं कि कैसा है, फिर माहिम अपने आप ही जाए। बस ने ना हमें यहाँ उतारा है और ये रहा माहिम का स्कूल, वाओ, ये इतना मिसकंसेप्शन हो गया है ना कि हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे कि दूर है, सबने बोला दूर है और जो भी राउट भी जो दिख रहा था ना बस पे वो भी यही था कि दूर है, ये तो बिल्कुल स्कूल के सामने उतारे यार बस ने, मैंने तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, यहीं से बस लेनी है बेटे दोपहर में, कितने बजे लेनी है? ये निकला यहाँ से स्कूल से, ये माइम का स्कूल है, मैं नाम नहीं दिखा सकती, यहाँ से आया और यहाँ पे उतरिए, हाँ लेट्स गो। जी माइम को छोड़ा है स्कूल, बहुत इजी है, बहुत तरीके से बढ़िया है, अब बस आएगा वो अपने आप आएगा, स्कूल के सामने से ही बस आएगी, 3:25 उसकी छुट्टी होगी और
अपने आप बस लेके फिर आ जाएगा, 10-15 मिनट में बस आ जाएगी, ले लेगा। और उसको कैसे आना है वो समझ आ गया सब, और बाकी हम फ़ोन पे तो बात कर ही लेंगे। चलो आज की ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और टेंशन ख़त्म हुई, बच्चे दोनों स्कूल सही से जाने लगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, ना हमें आने में ना जाने में होगी। बस फिर आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, हमारे को सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।